धर्मदास, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मुझसे पूछते हो? तो महानगर टेलीफोन निगम की डायरेक्टरी उठाओ और के पन्ने खोलो। केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 40-50 नंबर होंगे और कहीं न कहीं अपने आशिक कृष्ण प्रसाद के साथ एंगेज्ड होगी तुम्हारी बेटी। बदमाश, कहाँ है मेरी बेटी पूजा? कहाँ छिपा रखा है तुमने उसे? कृष्णा, आग और तेल का खेल बड़ा घटिया होता है, मेरी बेटी की गृहस्थी बर्बाद मत कर। कहीं दिल का मरीज तो नहीं है? इसलिए पूछ रहा हूं कि अब जब मैं चिल्लाऊंगा तो कहीं तेरा दम ना निकल जाए। कृष्णा, चिल्ला मत। ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए था कि मेरी पूजा कहाँ है, मगर मैंने तुमसे पूछा कि तुमने उसकी शादी किसी और से क्यों कर दी। चाय की खेती करने वाले अमीरजादे, जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई है उतने रुपयों के सर्फ और साबुन से मेरी हवेली के फर्श धोए जाते हैं। नजर उठा के देख किसकी ऊंचाई की तरफ। जब तक तेरी नजर इसके घूमर तक पहुंचेगी, तेरे कांधे से तेरा सर नीचे गिर जाएगा। तू क्या समझता है कि मैं यहां पर बैठा पूजा की जुदाई का शोक मनाता हूं, उसका मातम मनाता हूं? नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। यहां पर पूजा तो क्या, उसकी यादों को भी आने की इजाजत नहीं। इस हवेली के दरवाजे से सिर्फ मैं अंदर आता हूं और खिड़कियों से मुझे जिंदा रखने वाली हवाएं अंदर आती है। इसके सिवाय कुछ और दिखाई देता है तुझे अंदर? ठीक है कृष्ण प्रसाद, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर मेरी बेटी के भागने का सबब तू है तो तेरे लिए बहुत बुरी बात है। हवा ले दे तख लिया। बेटी, ये क्या हो गया? मैंने तो तुम्हारी परवरिश फूलों में की थी, तुम कांटों में कैसे आ गई बेटी? जिंदगी के फैसले नसीब करता है डैडी, माँ बाप नहीं। आपने फूलों में मेरी परवरिश की थी, वो मेरा नसीब था। आज मैं कांटों पर आ गई हूं, ये भी मेरा नसीब है। चल बेटी, चल मेरे साथ घर चल। बेटी का घर मायका नहीं, ससुराल होता है, और ससुराल के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं। बेटी, बंद हो गए तो क्या हुआ? तेरा बाप तो जिंदा है ना, मेरे साथ रहेगी तू, मेरे साथ। शादी के बाद आपके घर में जो बेटी जाती है ठहरी, वो बड़ी बदनसीब होती है। बेटी, आखिर मेरा ये सब तेरा ही तो है। आपके सब कुछ से मेरी जिंदगी नहीं कटेगी डैडी, जिंदगी तब कटती है जब पास में अपना कुछ हो, और मेरा अपना कुछ भी नहीं रहा। जो मैंने चाहा वो मुझे मिला नहीं, और जो आपने दिया वो रहा नहीं। बेटी, मेरी डोली विदा करने के बाद आपका फर्ज पूरा हो चुका, अब आपको मेरे दुख सुख से कोई वास्ता नहीं रहा। और फिर मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूं, बाप के लिए छोटी हो सकती हूं, दुनिया के लिए नहीं। दीपक मेरा पति है, उसके फैसले का सम्मान रखने के लिए मैंने घर छोड़ दिया। उसका गुस्सा ठंडा होने के बाद मैं उसे फिर समझाऊंगी, वो फिर भी ना माना तो उसका तलाक मैं खुद दूंगी, मांगूंगी नहीं। मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। लेकिन बेटी, ये सब कुछ तुम मेरे साथ रहकर भी तो कर सकती हो। दीनदयाल साहब, बच्चे जब तक माँ बाप की गोद से उतरते नहीं है तो चलना सीखते नहीं है। इन्हें चलना, चल के गिरना, गिर के संभलना, संभल के फिर चलना, इसका मौका दीजिए।
ये आपकी औलाद है, आपके सारे हक हैं इस पर, लेकिन इसकी तकदीर का फैसला आप करें, ये हक नहीं है आपको, इसलिए बेहतर है कि आप यहां से चले जाइए। आओ रफू मास्टर आओ, कहो कहीं तुम्हारी भी कोई चीज खो गई है क्या? मेरी जो चीज खो गई उसे पाने की मुझे तमन्ना भी नहीं है, क्योंकि जिसकी नजरों से मैं गिर चुका हूं उसे मैंने भी अपनी नजरों से गिरा दिया है। बहुत बढ़िया, तो कहो यहां आने की तकलीफ कैसे की? पूजा की जिंदगी में तुम्हारी दोबारा दखल अंदाजी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया है, वो ना मायके की रही और ना ससुराल की रही। अरे यार तो मैं क्या करूं, अपने साथ भी उसने कोई ऐसी निभाई नहीं है जो मुझे उससे हमदर्दी हो या मेरी आंखों में आंसू आ जाएं। एक लड़की की हकीकत में जिंदगी होती कितनी है? 10 साल। उस 10 साल में से 5 साल उसने तुम्हारे इंतजार में गुजार दिए, और उसने जो कुछ भी किया उसकी मर्जी नहीं थी, उसकी मजबूरी थी। पूजा का तुमसे अलग होना ये पूजा के बाप की कूटनीति थी। उसने तुम्हारी कामयाबी का खत पूजा को नहीं दिया बल्कि फाड़ कर जला दिया, और तुम्हारी नाकामी के उस खत का वादा देकर उसे शादी पर मजबूर किया जिसमें तुमने पूजा को लिखा था कि पूजा मुझे भूल जाओ। किस पे करे यकीन किससे करे गिला, मेरे नसीब ने मेरा ये हाल कर दिया। केपी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पूजा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो। पूजा बेटी। जिस आदमी ने मेरी जग हंसाई कराई उसी आदमी को मुझ पर हंसने के लिए बुला कर लाई हो मास्टर। ना पूजा बेटी ना, तुम पर हंसने वालों को अल्लाह करे कयामत तक मुस्कुराहट नसीब ना हो। बेटी मैं मानता हूँ कि आंधियां घरों के तिनकों को बिखेर दिया करती हैं, मगर जो हवाएं तिनकों को इकट्ठा करती हैं उनको आंधी नहीं कहते। मैंने आपसे सहारे की भीख नहीं मांगी थी मास्टर, मुझे अब किसी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रोना है। किसी की पत्नी बनने के बाद तुम मेरे कंधे पे सर रख के रो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। पूजा मैं यहाँ पर तुम्हारे आंसू पोछने के लिए नहीं, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए आया हूँ। दरअसल मैं अपने दिल के किसी कोने में महसूस करता हूँ कि मेरा तुम्हें अपने घर बुलाना ठीक नहीं हुआ, जबकि मेरा तुम्हें बुलाना गलत नहीं था। हमारी गृहस्थी को गलत फहमी की आग लग चुकी है कृष्ण प्रसाद, और ये आग बड़ी बेरहम होती है, लगाने वाले को भी जला देती है और बुझाने वाले को भी। मेरा दामन बचाने के लिए अपने हाथ में जला, चले जाए यहाँ से। अब जलने के लिए बचा ही क्या है पूजा, गम से खाली नहीं जिस्म का कोना कोई, हम रहे ना रहे हम पे मत रोना कोई। पूजा हमारे साथ आ पूजा।